तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान। अपने अहंकार में तुमने हमारे उद्देश्य का तिरस्कार किया है। अब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। आपकी सेना में नल और नील दो वानर, वे किसने शिलाखंड को स्पर्श करेंगे और शिलाखंड आपके प्रताप से जल में तैरने लगेगा। तो आपका विचार अति उत्तम है समुद्र देव। मैं जन्म शून्य स्थान पर प्रहार करके निष्क्रिय कर देता हूँ। इतनी विशिष्ट शक्ति भी है। प्रभु ये आपकी ही कृपा है कि उस श्राप को आज वरदान में बदलने का अवसर मिला है। किंतु भैया नल और नील इतने विशाल समुद्र पर सेतु कैसे बना पाएंगे? ये दोनों ही बता पाएंगे लक्ष्मण। यदि समुद्र देव ने इन दोनों का नाम लिया है तो कोई उचित विचार के पश्चात ही लिया होगा। प्रभु पवन कुमार लंका से होकर आए हैं, इन्हें लंका के समुद्र तट का अवश्य ज्ञान होगा। हनुमान तो आकाश मार्ग से लंका पहुंचे थे, उनके ज्ञान से हमें क्या लाभ होगा? हमें तो पूरी सेना के साथ लंका जाना है। प्रभु यदि हमें लंका के समुद्र तट का ज्ञान होगा तो हम सेतु के निर्माण का कार्य आसानी से कर सकते हैं। सागर को बांध लिया जाए तो हम बिना किसी कष्ट के उस पार जा सकते हैं। पुनः कोई संकट नहीं है प्रभु, क्योंकि लंका समुद्र तट पर स्थित है। यदि हम समुद्र तट पर पहुंच गए इसका अर्थ ये हुआ कि हम लंका पहुंच गए। क्या तुम दोनों सागर को बांध सकोगे? यदि आपकी अनुमति हो तो समुद्र पर बांध हम अवश्य बांध सकते हैं प्रभु।
कठिन है प्रभु, किंतु आपकी कृपा हो तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। प्रभु, नल और नील के इस गुण के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। ये दोनों बाल्यकाल में इतने सहज और सीधे नहीं थे। ये महर्षि पशु कण्व के शिष्य थे। भी बड़े उत्पाती शिष्य थे। पुनः मूर्तियाँ ले आए। पता नहीं ये मूर्तियाँ लेकर क्या करते हैं और बैठ जाते हैं पूजन करने। पता नहीं भगवान से इतने देर क्या कहते रहते हैं। इनके पूजन कार्य के कारण हमें भूखा रहना पड़ता है। ये अपनी पूजा भक्ति करते रहते और हमें फल आहार की अनुमति दे देते। हमने इनकी इतनी सारी मूर्तियाँ नदी में प्रवाहित कर दी है, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नियम क्यों बना दिया गया है। जब तक पूजा नहीं तब तक फलाहार नहीं, ये भी कोई नियम है? मुझे तो भूख सहन ही नहीं होती भ्राता। गुरुदेव तो मानते ही नहीं है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोचो भ्राता, सोचो। पुनः वही करते हैं। चलो आओ मेरे साथ। संकट मोचन जय हनुमान। मैं ऋषि पशु कण्व तुम दोनों को शाप देता हूँ। आज से कुछ भी जल में प्रवाहित करोगे तो वो कभी भी नहीं डूबेगा। संकट मोचन जय हनुमान। शिक्षा
रक्षा का कोई लाभ नहीं? क्या तुम में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि मूर्तियों को जल में प्रवाहित किसने किया है? किसने की है ये उद्दंडता? तुम सब कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है, यदि तुम सभी नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अब इस अपराध के लिए तुम सबको दंड मिलेगा। गुरुदेव, नल और नील ने पूजन की सामग्री और मूर्तियों को नदी में प्रवाहित कर दिया। श्राप नल और नील के लिए वरदान बन गया प्रभु। अर्थात ईश्वर ने पहले से ही इसका आयोजन कर रखा है। इससे निश्चित होता है कि शीघ्र ही हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पवन कुमार, आप सभी शिलाखंड एकत्र करना शुरू कर दें, जिससे हम निर्माण कार्य आरंभ कर सकें। हमारे पास समय बहुत कम है ना। सीता के प्राणों की रक्षा के लिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र लंका के लिए प्रस्थान करना होगा। यदि समस्त अस्त्र शस्त्र, असंख्य वानर सेना और इतने सारे शुभ चिंतकों के साथ होते हुए भी हम सीता की मुक्ति के साथ साथ यदि आसुरी शक्तियों का अंत नहीं कर सके तो हमारा ये महाअभियान व्यर्थ होगा। संकट मोचन जय हनुमान। चिंता न करो प्रभु, नल और नील बंधुओं को जितनी सामग्री की आवश्यकता होगी हम उचित समय पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमारा निर्माण कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो सके। यदि यह संभव हो जाए तो कार्य पूर्ण होने में कोई विलंब ना होगा प्रभु। पुनः जब इतनी बड़ी सेना कार्य में लगी है तो विलंब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता श्री राम। जहाँ भूमंडल के समस्त महारथी उपस्थित हों, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है राघव। आप निश्चिंत रहें राघव,
जहाँ समर्पण है वहाँ सफलता में कोई संदेह नहीं है। प्रभु श्री राम की जय। 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 राक्षसों की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात होगा। पिताश्री, हमें सेतु निर्माण के पूर्व ही उस राम का वध करना होगा। संकट मोचन जय हनुमान। दंड भेद, ये चारों शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ अस्त्र है। अमोघ अस्त्र, यदि इन अस्त्रों को उचित समय पर उचित प्रयोग किया जाए पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। काल पर लंकापति की जय हो।
सोचना शुभ नहीं है महाराज। शत्रु ने समुद्र को बांधने का कार्य आरंभ कर दिया है। क्या? हाँ महाराज, ये सूचना सत्य है। तुम जाओ। महाराज की जय। पिताश्री, अब हमें क्या करना चाहिए? शत्रु समुद्र पार सेतु का निर्माण भी कर रहा है और इसका अर्थ ये हुआ कि जिस समुद्र देव को आपने सावधान किया था, धमकाया था, वो शत्रु से जा मिला है और वो शत्रु की सहायता कर रहा है। छल किया है उसने, छल किया है समुद्र ने हमारे साथ। समुद्र ने अपने जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। यह समुद्र भी मृत्युदंड का भाग्य है। अवश्य अवश्य मिलेगा मृत्युदंड। पिताश्री, उससे पहले हमें उस राम को रोकना होगा। यदि वो राम लंका पहुंच गया तो हम राक्षसों की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात होगा और उससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। पिताश्री, हमें सेतु निर्माण के पूर्व ही उस राम का वध करना होगा। हमने जान पूछे लंकेश की जय जयकार नहीं किए प्रभु, हमें खबर दीजिए प्रभु। विभीषण, इन दोनों को जानते हैं? इनके क्रियाकलापों से ही हमें इन पर संदेह हुआ, अन्यथा इतनी बड़ी सेना में हम इन्हें कैसे पहचान पाते? तुम दोनों अपने मूल रूप में आओ। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Thank you.